हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ हमेशा की तरह सब लोग बढ़िया होंगे। यार आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक एस्थेटिक एडिटिंग लेकर आ चुका हूँ, जो कि अभी आप लोग फोटो देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव लग रही है। और सच बताऊँ ना तो अभी के टाइम में जितना क्रेज़ एस्थेटिक का है ना, उतना क्रेज़ भाई किसी भी चीज़ का नहीं है। आप लोग फोटो देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर, तो इस टाइप की फोटो एडिटिंग कैसे की जाती है मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, तो आप लोग पूरा देख लेना। बहुत ईजी मेथड है इसको एडिट करने का, तो चलो अब जान लेते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, अभी आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, तो लिंक इन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ से जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, कुछ इस टाइप का आप लोगों ने फोटो को ओपन कर लेना है और मैं स्टिकर के अंदर से जाके जितना बैकग्राउंड होगा वो लेकर आऊँगा, लेकिन आपको PNG प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहाँ से आप लोग यूज़ कर सकते हो। नाउ इस वाले PNG को लेकर आएंगे और अपने वॉल के ऊपर समथिंग इस तरीके से एडजस्ट करना है। ब्लेंड पे जाना और यहाँ पे मल्टीप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, ओपेसिटी को आप लोगों ने कर देना है कम अपने अकॉर्डिंग, जितना भी आप लोग रखना चाहते हो। मेरे को 38 काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लग रहा है। इरेजर के ऊपर आऊँगा और यहाँ से आप लोगों को बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अभी आप लोग देख सकते हो सिर्फ एक क्लिक में आप लोगों का जो फेस के ऊपर इफेक्ट था वो हट चुका है। राइट के ऊपर क्लिक कर देना ताकि फ़ोटोज़ वगैरह हिले ना। अगेन स्टिकर वाले सेक्शन के अंदर चले जाना, ये वाली PNG मिलेगी और इसको भी आप लोगों ने कर देना है यहाँ से मल्टीप्लाई, या फिर एड ओवरले वगैरह देख लेना, डार्केंट सही है। और यहाँ पे आप लोग समथिंग इस तरीके से एडजस्ट करो, इसकी भी ओपेसिटी अपने अकॉर्डिंग रख लेना। नाउ विंग्स वाली PNG लेकर आएंगे और इसको भी आप लोगों ने यहाँ पे एडजस्ट कर देना है, अपने अकॉर्डिंग कर लेना, आपका जो रेशियो परफेक्ट होना चाहिए। अगेन इरेजर के ऊपर आएंगे और इस बार भी आप लोगों को सेम बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक कर देना है और कर देना राइट के ऊपर क्लिक। नाउ अभी हमारी दो PNG रह रही है, तो सबसे पहले हम लोग क्रोन को ऐड करेंगे। तो ये रही क्रोन वाली PNG, इसको भी ऐड कर देना है छोटा करके। आप लोग अपने हेड के ऊपर समथिंग इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। ऑलमोस्ट सारा वर्क कंप्लीट हो चुका है, बस थोड़ा सा हम लोगों को कलर ग्रेडिंग करना है। तो यहाँ से चले जाना इफेक्ट वाले सेक्शन के अंदर और अभी आप लोगों को डोजर वाले फिल्टर को अप्लाई कर देना है। मैं एरो की हेल्प से दिखा देता हूँ, तो आप लोग सिंपल में जाओगे तो ये चीज़ मिल जाएगा। इसको करूँगा मर्ज। अगेन मैं यहाँ पे आऊँगा और मेरे को HDR अप्लाई करना है, तो HDR 1 आप लोगों को अप्लाई कर देना है, इसको भी कर देना मर्ज। फोटो की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है बिफोर और यहाँ पे आफ्टर आप लोग देख सकते हो। अब हमारा रह रहा है लास्ट फिल्टर, तो VNYL को आप लोगों ने अप्लाई कर देना है, लेकिन इसका जो इफेक्ट है फेस के ऊपर से आ रहा है, तो हम लोगों को नहीं रखना है। जूम करेंगे और फेस के ऊपर से आप लोगों को हटा देना है। अगर बॉडी के ऊपर बेकार लगे तो बॉडी के ऊपर से भी हटा देना। अगेन करना है राइट के ऊपर क्लिक, लास्ट PNG, और इसको भी आप लोगों ने थोड़ा सा जूम करके बॉटम में समथिंग इस तरीके से एडजस्ट कर देना। ऑलमोस्ट डन गाइस, हमारे जो वर्क है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है और अभी आप लोग देख सकते हो हमारी जो एक एस्थेटिक पोस्ट है वो बनके रेडी हो चुकी है। डायरेक्ट आप लोगों ने इसको JPG में सेलेक्ट करके सेव कर लेना है। और वीडियो कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना।